हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इसके प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के नए अपडेट के बारे में। जी हां फ्रेंड, यहां पे एकदम नया लेटेस्ट अपडेट दिया गया है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के, जो कि आपका आने वाले समय में होने वाला है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो टॉप 10 करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपके ये काम की वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट दिया गया है। तो ये खबर जो एनडीटीवी इंडिया की तरफ से दी गई है, तो आप इसे गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आ सकते हैं करंट अफेयर के जरूरी सवाल, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और उससे पहले ये बता दूँ फ्रेंड कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा मार्च में आयोजित की जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, आपका जो रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये मार्च में होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस मैथ और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 10 यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं एनडीटीवी इंडिया की तरफ से, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जनवरी 5, 2020 की 15:23 की। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट दिया गया है यहाँ पे परीक्षा को लेकर के। तो परीक्षा आपकी जानते होंगे कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी, जो कि आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की तारीख आने वाले दिनों में जारी कर दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे एकदम पक्की खबर है कि वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी से बात की है और उन्होंने बताया है कि एनटीपीसी परीक्षा यानी कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम मार्च में आयोजित की जा सकती है। तो ऐसे में परीक्षा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इससे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जो है वो तेज कर देनी चाहिए। यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करिए फ्रेंड। तो बहुत से सवाल पूछे जाएंगे आपको जनरल इंटेलिजेंस से भी, जनरल करंट अफेयर से भी। तो करंट अफेयर के कई सवाल आ सकते हैं, तो उसमें से यहाँ पे 10 करंट अफेयर सवाल जो है आपको एनडीटीवी की तरफ से दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हो सकता है कि आपको वो करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले करंट अफेयर के बारे में। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। ये बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि नया पोस्ट बनाया गया था, तो उसके जो बनाए गए हैं डिफेंस स्टाफ वो है जनरल बिपिन रावत। एकदम ध्यान रखना है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। तो जो भी सही आंसर बताएगा तो मैं उसको वहाँ पर कमेंट करूँगा फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है सिनेमा। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दी है फ्रेंड? तो एकदम लेटेस्ट सवाल है और इसका आंसर जो है फ्रेंड वो है महाराष्ट्र में। और पांचवा सवाल यहाँ पे है, हाल ही में सुनीता लाकरा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है? किस खेल से जुड़ी हुई है फ्रेंड? तो सुनीता लाकरा जो है संन्यास उन्होंने घोषणा कर दिया है, और वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है हॉकी। और यहाँ पे छठा क्वेश्चन भी महिला से ही जुड़ा हुआ है, तो किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में मानी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मानी ऐप लॉन्च एक किया है हाल में ही। तो ये एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो याद रखना है। किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। यानी 2020 का जो पहला महीना होगा उसके लिए जो नो व्हीकल डे है उसका जो निर्णय लिया गया है वो राजस्थान स्टेट में लिया गया है। किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं को तथा कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने को निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है श्रम व रोजगार मंत्रालय ने। दसवां क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट, लोकमान तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो इसका आंसर है संजय गुप्ता ने ये अवार्ड जीता है जर्नलिज्म का, लोकमान तिलक अवार्ड। तो ये आपको सारे याद रखना है, ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी एनटीपीसी को अपडेट नहीं है वो अपडेट रहे हमारी वीडियो देख करके। और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड,
क्योंकि मैं रेलवे से पल पल की अपडेट देता रहता हूँ और जो भी रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात होती है मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ फ्रेंड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में तुरंत ही पता लग जाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।